हेलो दोस्तों, तो होप सो आप सभी लोग अच्छे हो। तो आज मैं मूवी रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है व्यू। ये 2018 में रिलीज़ हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है विनोद कैपरिन ने। तो फिल्म जो है वो एक छोटी सी बच्ची के अराउंड घूमते रहती है जिसका नाम है पीयू। ये 2 साल की बच्ची है। तो फिल्म में यही दिखाया गया है कि वो छोटी सी बच्ची मतलब अकेले घर में मतलब क्या क्या करते रहते हैं और कैसे वो खुद की जान को बचाती है। उसकी माँ भी होती है लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उसकी माँ तो मतलब मर चुकी है और उसके हस्बैंड ने उसे मतलब तलाक दिया है। तो शायद इसकी वजह से उसने मतलब परेशान होकर या फिर आप कह लो दुख से खुद को मतलब मार लिया। और इस छोटी को बच्ची को उस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि उसकी मम्मा जो है वो मतलब अब जिंदा नहीं है और ये घर में मतलब इधर उधर भटक रही है अपने खाने पीने के लिए ये सब कर रही है। उस दौरान उसे मतलब क्या क्या घटनाएं जो घर में हो रही है। इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची अपने सर्वाइवल के लिए मतलब क्या क्या कर रही है। फिल्म मतलब थोड़ा इंटेंस तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, थ्रिल भी है, हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोगों को मतलब कुछ कुछ सीन्स जो हैं मतलब थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है उनके माइंड में। फिल्म वैसे काफ़ी इंगेजिंग है, टू द पॉइंट है, ज़्यादा इधर उधर कुछ भी नहीं है, बस एक दो कैरेक्टर्स को ही दिखाया गया है। और वे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म को आप मतलब बिना देखे मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ सकते। मैं वीडियो के थ्रू बता तो दूँ लेकिन आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड यही करूँगा कि आप फिल्म को आप देखो और इसे अच्छे से समझो क्योंकि ये मतलब सच्चे घटनाओं पे आधारित है जैसे कि डायरेक्टर ने क्लेम किया है। और एक छोटी छोटी सी बच्ची के सर्वाइवल को मतलब काफ़ी अच्छे से दिखाया गया कि अगर हम एक छोटे से बच्चे को घर में बंद कर देते हैं तो वो सारा दिन मतलब क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं जिससे वो अपनी जान को सलामत रख सके। तो प्लीज़ इसे आप देखो। और रेटिंग की बात है तो IMDb इसकी रेटिंग है 6.7, मेरी रेटिंग रही तो मैं 7 तो इसे ज़रूर दूंगा, ठीक है। और पेरेंटल गाइडेंस ये है कि मतलब बिलो 18 देख सकते हैं लेकिन थोड़ा मतलब इंटेंस सीन्स हैं, मतलब ऐसे मारपीट तो नहीं, एक्शन बंदूक गोली खून खराबा नहीं है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए जैसे आप फिल्म देखोगे तो आप अटैच हो जाओगे कि मतलब आगे क्या होने वाला। एक वो बालकनी वाला सीन है उसमें तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पीहू अब लगता है अब तो गई गई गई, वो शायद बालकनी से नीचे कूद जाएगी लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उस आंटी ने उसे टाइम पे आके वहाँ पे बचा लिया। तो फिल्म में ऐसे कुछ सीन्स हैं, कुछ लोगों को ये ब्रूटल लग सकता है, ठीक है। तो इसे आप देखें। और अभी बढ़ते हैं हम लोग एनिमेटेड सीरीज़ की तरफ। तो कुछ दिन मैंने मतलब कुछ लोगों से पूछताछ की तो अपने व्यूअर्स के तरफ से ही, तो उन्होंने कहा कि एनिमेटेड पे आपको मतलब थोड़ा काम करना चाहिए, एनिमेटेड आप सीरीज़ के बारे में हमें थोड़ा बताओ क्योंकि हमें भी पसंद है। हमें मतलब काफ़ी ढूंढते रहते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमें क्या देखना चाहिए। तो आने वाले टाइम में कुछ मैं इस पे काम करता हूँ, टॉप 5 टॉप 10 जो भी आपको देखने चाहिए। अभी मैं फ़िलहाल 2-3 बता सकता हूँ जिनके नाम हैं डेथ नोट, ये शायद 2017 की, और अभी नेटफ्लिक्स पे 30 जुलाई या 31 जुलाई को आई है। उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबर ट्रॉन और ट्राइलॉजी। ट्रांसफॉर्मर्स तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो वो ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स, मेगाट्रॉन के जो चीले चपाटी हैं, इन दोनों के बीच मतलब काफ़ी लड़ाई होती है अर्थ पे, एनर्जॉन को लेकर, स्पार्क्स को लेकर, ठीक है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और भी वेब सीरीज़ हैं, नाम तो अभी पता नहीं है लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, जैसे कुछ चाइनीज़ हैं, जैपनीज, कोरियन, ये सब लैंग्वेजेस में हैं जिसे आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ आराम से देख कर समझ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो मैं जल्द से जल्द इन वीडियोस पे काम करता हूँ और आप लोग के लिए लाता हूँ। तो वीडियो अब शॉर्ट ही रखता हूँ, ज़्यादा आज बक बक नहीं करूँगा। तो पीहू को आप ज़रूर देखें और कुछ जो भी आने वाली मूवीज़ है उस पर मैं काम करके आपको रिव्यू ज़रूर दूँगा। तो
अपडेटेड है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जैसा भी आपको मन है, लाइक डिसलाइक आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो वीडियो अब यहीं एंड करते हैं, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।